रासिया खास ना ये खास, अगर मेरे बारे में कोई ख्वाब है तो मुझे बताया जाए। आज बड़ा अच्छा मौका है, जिस नाई को सल्तनत से निकालता हूँ। बादशाह सलामत, मुझे आपके दादा अबू का एक ख्वाब आया है। नहीं गुजरा तो बड़ा अरसा हो गया है, क्या ख्वाब आया सुनाओ। मैंने ख्वाब देखा कि आपके दादा अबू जन्नत में है। माशाल्लाह, जन्नत में? जन्नत में क्या कर रहे हैं? बादशाह सलामत, आपके दादाजी जन्नत के बागों में ऐश कर रहे हैं। मुझे एक पैगाम भेजा आपके लिए। अच्छा लगा सुन के, बताओ क्या पैगाम भेजा उन्होंने? आपके दादा अबू ने मुझे पैगाम भेजा है कि उनके बाल बहुत लंबे हो गए हैं और जन्नत में कोई नाई नहीं है, जल्दी से कोई नाई का इंतजाम किया जाए। यही तो है हमारे पास, लेकिन उसे भेजा कैसे जाए? अच्छा, मेरा प्लान तो काम कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरे पास एक तरीका है। धोर धोर अपनी चापलूसी दिखा दी ना मिरासी ने। हाँ जल्दी बताओ क्या तरीका कार है। बाद सलामत, हम जाते हैं और इसको कब्र में दफना कर आते हैं, ये खुद ना खुद ही जन्नत में पहुंच जाएगा। मेरे हुक्म की तमीर की जाए, इसे जन्नत में भेजने का बंदोबस्त किया जाए। बादशाह सलामत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ नहीं सुना, जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह सलामत, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि मैं अपने बीवी बच्चों से तो मिल लूँ। 2 घंटे की मोहलत देता हूँ मैं तुम्हें। भाई क्यों परेशान बैठे हो? भाई मैं परेशान इसलिए हूँ कि बादशाह ने मुझे एक काम कहा। बताओ क्या कहा है बादशाह ने? बादशाह ने कहा कि मेरे दादा अबू जन्नत में हैं, नाई को उस पर भेजने का बंदोबस्त किया जाए। भाई कोई मसला ही नहीं, इधर आओ मैं बता। क्या भाई इतना अच्छा प्लान। बादशाह सलामत, मैं जन्नत में जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी ये शर्त है कि हर महीने 100 अशरफियां और राशन मेरे घर भेजा जाए। 100 नहीं 200 अशरफियां मिलेंगी तुम्हें, पर तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कब्र खोदने की तैयारी करो, तो मैं इसे लेकर आता हूँ। ठीक है बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें। तकलिया? तेरा बाप तकलिया? तकलिया नहीं, तकलिया तकलिया मतलब जाओ जाओ, दफा हो जाओ। मिरास ने कब्र खोद ली होगी, हमें चलना चाहिए अब। चलें बादशाह सलामत। हाँ मिरास ही कब्र खोद गई, जाइए अंदर जाओ। करो जल्दी दफन करो इसे। शुक्र है भाई तू ठीक है। भाई अब तूने 6 महीने तक नजर नहीं आना, गायब हो जा। 6 महीने के बाद? 6 महीने हो गए, मुफ्त की बहुत खा ली है, अब जाके बादशाह सलामत को मिल के आता हूँ। बादशाह सलामत की जाओ। खुद ना खुद पूर क्या था, ये कहाँ से आ गया? अच्छा सलाम, बात यही थी कि जन्नत में नाई काफी सारे इकट्ठे हो गए थे और मेरी वहां पे जरूरत नहीं थी, दादा अबू ने मुझे वहां से भेज दिया। वो कहा है कि यहाँ पे शादियों का सीजन चल रहा है, एक मिरासी का बंदोबस्त किया जाए। फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है, है हमारे पास मिरासी, हर हाल में खुश होना चाहिए। ठीक है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत मुझे माफ कर दो। बादशाह सलामत, मेरे हुक्म इतनी देर की हो रही है, चलो चलो तुम्हारे घर 300 अशरफियां पहुंच जाएंगी। यार मुझे माफ कर दो यार, मैंने मजाक किया था यार, मुझे माफ कर दो यार।